शिवनेरी फोर्ट महाराष्ट्र के इतिहास या फिर मराठा इतिहास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किलों में से एक है। वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। 1170 में यादवों ने सतवानों को हराकर जुन्नर अपने कब्जे में लिया। 1170 से 1308 ये टाइम पर उन्होंने शिवनेरी फोर्ट का पूरा निर्माण किया था। 1443 में मलिक उल तुजार ने यादवों को हराकर इस किले को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद इसे बहामनी के राज्य में लाया। उसके बाद 1486 में मलिक उल तुजार का निधन होने के बाद निज़ाम मलिक हसन इन्होंने इस किले को अपने कब्जे में लाया और उसे निज़ाम शाही राज्य में लाया। नमस्कार और वेलकम शस्त्रियकाल अस्सलामुअलैकुम कैसे हो सब लोग एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इट्स 10:15 इन द मॉर्निंग और हम निकले हैं शिवनेरी फोर्ट के लिए। हम अभी जा रहे हैं चाकन के रोड से, तो मेरा घर, मैं एक्चुअली रहता हूँ छिंचवड़ में, तो मेरे घर से शिवनेरी फोर्ट इज लाइक अराउंड 87-88 किलोमीटर्स, जिसके लिए एक्चुअली दो रोड बताता है, एक पेट रोड से बताता है और एक मनसर के रोड से बताता है। अभी हम लोग ने लिया है ये पेट रोड क्योंकि पेट रोड से हम पहुंचेंगे 1 hour and 45 minutes में, और अगर मनसर के रोड से आते हैं तो इट विल टेक यू अराउंड 2 hours and 30 minutes कुछ वैसे लगता है, क्योंकि पता नहीं शायद रोड ख़राब है, क्योंकि वो रोड से तो मैं कभी गया नहीं है तो मुझे पता नहीं। तो ये रोड हम लोग ने लिया है और ये अक्षय ने सजेस्ट किया था ये रोड, वो काफ़ी टाइम आया है। अक्षय और किशोर मेरे साथ है, वो लोग मेरे पीछे है। ये रोड से हम लोग जाएंगे सीधा नारायण गांव से लेफ्ट ले गए और नारायण गांव से 13-15 किलोमीटर्स पे है शिवनेरी फोर्ट, तो चलो चलते हैं। ये फोर्ट एक्चुअली हम लोग एक्सप्लोर करने का प्लान हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम से था। अगर किसी ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा रहेगा तो ज़रूर देख लेना, वो रायगढ़ फोर्ट के ऊपर था जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन हुआ था। और आज हम जा रहे हैं शिवनेरी फोर्ट, ये महाराष्ट्र के हिस्ट्री या फिर इतिहास के सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। पिछले 2-3 दिन से मैं एक्चुअली शिवनेरी फोर्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, उसके हिस्ट्री जान रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही डीप में जान रहा हूँ। मैंने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मेहनत लिया है इस ब्लॉग के लिए। अभी देखते हैं ये ब्लॉग कैसे बनेगा। अगर रोड पर जाते थे कुछ अच्छा रहेगा या कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने जैसा रहेगा तो वेल एंड गुड दिखा दूंगा, या फिर हम सीधा मिलेंगे शिवनेरी। ये आ गए हम लोग नारायण गांव। अभी नारायण गांव से हम लोग ले रहे लेफ्ट। लेफ्ट यार, जब लेफ्ट बोले तो मेरे को लगा कोई अच्छा बड़ा रोड रखा, ये छोटे से गली में से जा रहा है। अक्षय इज लीडिंग, अगर रास्ता गलत होता है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वेरी नाइस अक्षय, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। भाई जो नैरो रोड है ये अंदर से ले लिया तभी जितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। फोर्ट चढ़ते चढ़ते पता नहीं क्या हाल होने वाला है। 11:50 हो गया एंड डेफिनेटली वाट लगने वाली ऊपर चढ़ते चढ़ते। अच्छा, जैसे मैंने बोला यहाँ से कुछ 13-15 किलोमीटर्स का रास्ता है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट 15-20 minutes में हम लोग फोर्ट के यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये पहुंच गए हम शिवनेरी फोर्ट। हमें जाना है वहाँ पर उसके ऊपर टॉप पे, एंड आई बिलीव दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टुडे। अक्षय का और किशोर का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होने वाला है यार। वो तो किला तो पीछे गया, अभी जाने के लिए कोई अलग लेफ्ट है या फिर सीधा ही जाना है पता नहीं, किसी को तो पूछ लेंगे। फोर्ट तो वो है, हम बहुत आगे आए, मेरे को लग रहा है कि ऐसा आगे से तो टर्न नहीं रहेगा। यही रोड पे ओजर गणपति, जो अष्टविनायक गणपति में से एक मंदिर ये रोड पे आता है, वो मंदिर भी अभी तक आया नहीं है। जब मैप में देख रहा था तो वो गणपति पहले आता है और उसके बाद शिवनेरी फोर्ट आता है। किसी को तो पूछना बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है, वरना हम पहुंच जाएंगे कोई और गढ़ पे। शिवनेरी फोर्ट, हाँ अच्छा किल्ला ते का, अच्छा मालावटले ते, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं गलत था, शिवनेरी किला जो हमने पीछे देखा वो नहीं था, शिवनेरी किला आगे है। अभी यहाँ से जुन्नर जाना है, जुन्नर यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के बाद हमें लेना है लेफ्ट। एक जाता है राइट को, एक रोड जाता है लेफ्ट को, एक रोड जाता है, तो एक मेन कमान आता है, एक बड़ा गेट, वहाँ से हमको लेके लेफ्ट लेके चढ़ना है ऊपर। शिव जन्मभूमि तुमसे सहर्ष स्वागत करी।
भाई कहाँ से आते बाबा ऐसे लोग यार, दरवाजा खोल के थूक दिया। हम लोग फोर्ट के पास पहुंच गए और यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि तुम तुम्हारा गाड़ी फोर्ट के बेसमेंट तक लेके आ सकते हो, मतलब फोर्ट का जो एकदम नीचे का हिस्सा है वहाँ तक तुम तुम्हारा गाड़ी लेके आ सकते हो। फोर व्हीलर्स भी पार्क कर सकते हो और टू व्हीलर्स का पार्किंग आगे है, तो हम वहाँ पे पार्क करेंगे और थोड़ा ज़्यादा जगह आगे पार्क करेंगे ताकि हमको कम चलना पड़े। हमको जाना है अभी यहाँ से ऊपर, ये है किला और ये है पार्किंग के लिए सारा एरिया। कितनी है पार्किंग सर? 30 रुपये, 10 रुपये। तुम्हारा गाड़ी 10 रुपये में पार्क कर सकते हो। फाइनली दो बार रास्ता हमारा गलत होने के बाद हम लोग पहुंच गए शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी फोर्ट के यहाँ पे नीचे, जैसे मैंने जहाँ पे मैंने बताया गाड़ी का पार्किंग एरिया है, उसके बाद यहाँ से अभी तुमको चल के जाना है ऊपर। फोर्ट पे चढ़ने के लिए इधर के लोकल रेट के हिसाब से 1 आवर चढ़ने के लिए और 1 आवर उतरने के लिए इनके हिसाब से है, तो ऑब्वियसली इधर के लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चढ़ते रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उतरते रहेंगे। यहाँ पे स्टार्ट होते होते ही मुझे लग रहा है कि मुझे 2 घंटा लगेगा चढ़ने के लिए, बट लेट्स सी कितना जल्दी जाएगी और कितना जल्दी हम वापस आएंगे। ये हम पहुंच गए हैं मेन गेट के पास। मेन गेट से थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं गणेश गेट, और ये है गणेश गेट। शिवनेरी फोर्ट का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो 2000 साल पुराना। ये एक्चुअली इससे पहले शाका वंशों के अंडर आता था, उसके बाद गौतमी पुत्र सत्कर्णी इन्होंने उनको हरा कर ये सतवाना के राज्य में लाया, और उसके बाद वो लोगों ने ये फोर्ट बुद्धिस्ट लोगों को दे दिया था ताकि वो लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर पाए। तो ऊपर एक्चुअली केव्स में जाते जाते वो दिखा दूंगा, वो केव्स उनको मेडिटेशन के लिए काम आता था। हर एक गेट के ऊपर एक पता नहीं एक अलग सा चीज़ ये क्यों है, ये हो सकता है कि वॉच टावर जैसा पहले अगर यूज़ करते थे या फिर कोई सिक्योरिटी रीजन के लिए लगा था, वॉच टावर ही लगाया जाता था क्योंकि वहाँ पर ऊपर विंडो भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ऊपर से स्टेप्स है, हर एक गेट के ऊपर ऐसे चढ़ने के लिए स्टेप्स दिया गया है ऊपर। ये है पीर गेट, जिसको पीरा सा दरवाज़ा भी बोला जाता है। पीर गेट क्रॉस करके थोड़ा से आगे आने के बाद यहाँ पे लोगों के लिए रिलैक्सेशन के लिए या फिर लोगों को थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ पे तानाजी मालुसरे उद्यान है, उद्यान मतलब गार्डन। पहले टाइम पे ये अभी जो नॉर्मल स्टेप्स बनाया होगा, ये नॉर्मल स्टेप्स के अलावा यहाँ पर जो माउंटेन है, माउंटेन रॉक से माउंटेन रॉक्स को ही सीधा काव करके या फिर तोड़ फोड़ करके उसके स्टेप्स बनाए गए थे। इधर का चौथा गेट है हाथी गेट, ये है इधर का हाथी गेट। खाली दरवाजा क्रॉस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे है, आगे आने के लिए तो 2 रास्ते हैं, एक ऊपर चढ़ने के लिए एक रास्ता है और एक शिवाई माता देवी का एक मंदिर है इधर आगे, तो एक रास्ता उधर था तो एक हम लोग अभी मंदिर की तरफ आए हैं। ये मंदिर का एक्चुअली एक खासियत है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मम्मी उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर में एक्चुअली एक मन्नत मांगी थी, अगर मुझे लड़का होता है तो मैं यहाँ पर आपके नाम से उनका नाम रखूँगी करके, तो वैसे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी महाराज ऐसा रखा गया था। यहाँ पे फोटो या वीडियो निकालने के लिए लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट मना कर दिया, फिर भी यहाँ पे जो भी नॉर्मली मैं आउटसाइड से दिखा सकता हूँ यही है मंदिर। और जो गेट मैं अभी दिखाने वाला हूँ तुमको, ये गेट एक्चुअली पेशवा लोगों ने बनाया गया था, ये इसे अभी रिकंस्ट्रक्ट करके एक अलग तरीके से भी बना के रखा है ताकि अभी मतलब अपने को वो फील आ जाए कि इससे पहले जब पेशवा लोगों ने बनाया था तो उस टाइम पर इस घर के गेट कैसे दिखते थे। शिवाय माता देवी के मंदिर से ऐसे जैसे निकलने के बाद हमको वहाँ पर एक छोटा सा एक पाथ दिखा से आते हुए, तो ऐसे हम लोग एक्सप्लोर करने आए थे, तो यहाँ पर हमको दिखा है ये केव्स, तो ये वही केव्स है शायद जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये केव्स वही है जो बुद्धिस्ट लोगों को जिनको ये दिया था ये फोर्ट के बारे में जो बोला था, जहाँ पे वो मेडिटेट करते थे, ये सारे वही केव्स है। ये यहाँ पर टोटल 64 केव्स है। स्तूपा यहीं पे मिली, इसी की बात कर रहा था वहाँ पे। ये स्तूपा एक्चुअली जो जिसे हम कहते हैं ये एक्चुअली बुद्धिस्ट लोगों का श्राइन है, तो इस चीज़ का एक्चुअली पूजा किया जाता था। इसके जस्ट बाजू में एक मंदिर है, पहले हम ये देखते हैं उसके बाद हम उसके पास जाएंगे। यह
जहाँ पर सुबह है इसी से कनेक्टेड एक डोर है, यही से जो दूसरा मंदिर है। ये भी जो देखा उन्होंने सरस्वती बना के रखा है, वो सरस्वती एक्चुअली बुक्स वगैरह सब में जो बनाते थे वैसे बना के रखा है। ये पता नहीं ये तभी बना के रखा है या अभी रिसेंटली किसी ने काव किया है। अगर तुम लोग शिवनेरी किला आ रहे हो तो यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑब्वियसली तुमको और कहीं देखने मिलेगा नहीं। तो ये जो श्राइन था बुद्धिस्ट लोगों का वो भी बहुत सुंदर है, अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया है, वो अच्छे से क्लीन करके रखा है, बहुत अच्छे से उसका शायद पूजा भी होता है। और उसके साइड में जैसे मैंने बताया वो मंदिर भी, वो भी बहुत बहुत प्यारा बहुत सुंदर था, शिवाई माता देवी का। मंदिर के बाहर से जो साइड से एक छोटा सा लेन जाता है, वो लेन से सीधा आगे आना है, थोड़ा दो तीन चार केव्स तुमको यहाँ पर दिखेंगे, उधर से थोड़ा और आगे जाना, थोड़ा सा ही चलना है, ज़्यादा चलना भी नहीं है। तो जैसे तुम वहाँ पहुंचेगा तुमको वहां पर वो स्तूपा दिख जाएगा। निजाम ने 1595 में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे मालोजी राजे भोसले, उनको ये फोर्ट कंट्रोल करने दिया था। ये इधर का छठवा दरवाजा मेना गेट, मेना गेट के बाद यहाँ का सबसे लास्ट गेट वो है कुलुप दरवाजा। सातवा गेट कंप्लीट करने के बाद ऊपर आने के बाद हमको दिखा अंबर खाना। यह है अंबर खाना जो उस टाइम का स्टोर रूम था, जहाँ पे खाना सब बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में जहाँ पे खाना स्टोर करके रखते थे, वो है यहाँ पर। Niggas bucket, I'ma serve 'em. Spinning on a block with a mop, I disturb 'em. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. And the curse, I'm about to merge on a nigga's turf. I'ma let a nigga burn, burn, let him burn. And these pussies better learn. अंबर खाने के यहाँ से काफ़ी आगे चल के आने के बाद हमको यहाँ पे जो दो टाकी है गंगा जमुना टाकी, हम लोग उसके पास पहुँच गए। वो देखो गंगा जमुना वाटर टैंक, वहाँ से आगे आने के बाद हमको अभी दिख गया यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान पे आया, जन्म स्थान पे आने के नीचे जैसे तुम लोगों ने देखा वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू रखा गया है, और उसके साइड से कुछ 10-15 स्टेप्स ऊपर आने के लिए, ऊपर आने के बाद बाहर इतना ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन ऊपर आने के बाद यहाँ पे इतना ठंडा ब्रीज आ रहा है, बहुत रिलैक्सिंग प्लेस है। पिछले 10-15 मिनट से हम यहीं पर बैठे, अब बहुत टाइम पास किया यहाँ पर, अब यहाँ से जाएंगे। ये अभी रिटर्न आते टाइम मैंने नोटिस किया गणेश गेट के जो ऊपर एलिफेंट का एक स्टैचू भी था, हाफ स्टैचू, उसमें से हाफ ही दिख रहा है जिसका भी हाफ टूटा हुआ है। तो नॉर्मल एक हेड और उसके बॉडी से अजम्पशन लगा लिया कि वो एक हाथी ही रहेगा। शिवनेरी फोर्ट पे जब चढ़ रहे थे वो इजी लग रहा था, रिटर्न उतरते टाइम थोड़ा सा पैर पे प्रेशर आ रहा था, क्योंकि जो भी स्टेप्स थे वो काफ़ी बड़े स्टेप्स थे, तो चढ़ते टाइम इतना कुछ लगा नहीं, बट नीचे उतरते टाइम, हाँ उतरते टाइम कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा था, बट एंजॉय किया। हम लोग एक्चुअली ऊपर चढ़े थे, 12:00 को और ऑलमोस्ट एक 3 घंटा हम लोग ऊपर थे। अब हुआ है 3:15 और हम ऑलरेडी निकल चुके हैं घर के लिए।